सुरजीत और राही का लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2 है। 31 मार्च 2006 को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। दायित्व के अंतर्गत लेनदार है 38,000 के, श्रीमती सुरजीत से ऋण है 10,000 का, रिजर्व है 15,000 के, राही का ऋण है 5,000 का, इनकी पूंजी है सुरजीत की 10,000 और राही की 8,000। संपत्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि बैंक है 11,500, स्टॉक है 6,000, देनदार है 19,000, फर्नीचर है 4,000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 और प्रॉफिट एंड लॉस 7,500। बैलेंस शीट टोटल होती है 86,000 से। यहाँ पर हम कुछ एडजस्टमेंट देख रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि 31 मार्च 2006 को फर्म के विघटन का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सुरजीत ने विनियोगों को 8,000 में लिया और वह श्रीमती सुरजीत के ऋण का भुगतान करेगा। अन्य परिसंपत्तियों से वसूली इस प्रकार हुई है, स्टॉक से 5,000, देनदार से 18,500, फर्नीचर से 4,500, संयंत्र से 25,000, वसूली व्यय की जो राशि है वो 1,600 है, लेनदारों ने पूर्ण भुगतान में 37,000 स्वीकार किए। यहाँ हमें रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तैयार करना है। सबसे पहले जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स और लायबिलिटी की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एसेट्स है उसमें अगर हम बैंक को छोड़ देते हैं तो हमारे पास जो एसेट्स है उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में उनकी हम एंट्री करते चलेंगे। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, इन सबके अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखते चलेंगे और बाद में उस पूरी टोटल को हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। स्टॉक 6,000, डेटर्स 19,000, फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, ये टोटल हमारी जो एसेट्स है पुरानी बैलेंस शीट में वो है 67,000 की। अब सेकंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि इस बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्या है। तो लायबिलिटी हम देख रहे हैं, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज लिखेंगे और इसके अंतर्गत हम लिखेंगे क्रेडिटर्स है हमारे 38,000 के और लोन फ्रॉम मिसेस सुरजीत है 10,000 का, इसकी एंट्री हम कर लेंगे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में इनर कॉलम में और टोटल जो होगा इसका 48,000 वो हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है कि हम ये देखेंगे कि ये जो एसेट्स हैं उनको हमने किस वैल्यू पे सेल किया है और लाइबिलिटीज हमने कैसे पेमेंट की है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुरजीत ने विनियोग को 8,000 रुपए में लिया और वो श्रीमती सुरजीत के ऋण का भुगतान करेगा। मतलब सुरजीत एक ऐसा पार्टनर है जो इन्वेस्टमेंट को खरीद लेता है और मिसेस सुरजीत क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म से अलग है, तो उनके ऋण का भुगतान ये करना स्वीकार करता है। तो किस प्रकार हम इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि सुरजीत एक पार्टनर है और वो विनियोग लेता है तो इसकी एंट्री जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम करेंगे बाय सुरजीत कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जनरल एंट्री इसके पास होगी सुरजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इस तरह से हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सुरजीत कैपिटल 8,000। और क्योंकि इसने ऋण का भी भुगतान किया है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिसेस सुरजीत का जो लोन था वो 10,000 का था, अब क्योंकि उसको सुरजीत भुगतान कर रहा है तो यहाँ पर जनरल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरजीत कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सुरजीत कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 10,000 से। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो एसेट्स हैं उनको जब बेचा गया तो उनसे किस प्रकार की वसूली हुई, और ये हम जानते हैं कि जब हम एसेट्स को सेल करते हैं तो उससे कैश आता है हमारे पास। ये जो हम जनरल एंट्री करते हैं संपत्तियों को बेचने की वो होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक और जो भी हमने एसेट सेल किए उसकी एंट्री करते जाएंगे। तो इनर कॉलम में हम इसको लिखते जाएंगे, स्टॉक से हमें मिला है 5,000, डेटर से 18,500, फर्नीचर से 4,500, प्लांट से 25,000। टोटल ये जो हमको रिसीव हुआ है एसेट्स को सेल करने से वो है 53,000,
जिसकी एंट्री हम यहाँ पर अमाउंट कॉलम में करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वसूली व्यय की राशि 16,000 है। तो क्योंकि जब वसूली व्यय होता है तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री पास करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक और ये 16,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि लेनदारों ने पूर्ण भुगतान के 37,000 स्वीकार किए, यानी कि हमने लेनदारों को क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। एक्चुअली हमारे जो क्रेडिटर थे वो 38,000 के थे, लेकिन उन्होंने 37,000 भी लेना स्वीकार कर लिया। अब ये एक लाइबिलिटी है और हमने जनरल एंट्री में देखी थी कि जब लाइबिलिटी हम पे करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या अगर कोई पार्टनर उस लाइबिलिटी को ले लेता है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चूंकि यहाँ पर कैश हमने पेमेंट किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट के हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक और यहाँ पर 37,000 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। तो जितने एडजस्टमेंट थे और बैलेंस शीट से जो अमाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में ला सकते थे वो सारी एंट्रीज हमने कर ली है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो डेबिट साइड का टोटल है वो 1,15,600 है और इसमें से जब हम क्रेडिट टोटल को और इसमें से जब हम क्रेडिट बैलेंस को माइनस करेंगे, यानी कि 1,15,600 माइनस 48,000 माइनस 8,000 माइनस 53,000, तो ये हमको 6,600 जो है वो बैलेंस मिलेगा जिसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट टोटल ज्यादा है और क्रेडिट कम है, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए इनकम कम हो गई, यहाँ पे हम मानेंगे कि लॉस हुआ है और इस लॉस को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 6,600। और किस रेशियो में करेंगे, जो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्टिंग में 3:2 में हम जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर को, तो सुरजीत के हिस्से में ये लॉस आएगा 3,960 और राही के हिस्से में ये लॉस आएगा 2,640। इस तरह से हम रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल 1,50,600 लिखकर इसे बंद कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर लोन की भी बात आई है तो हम एक छोटा सा यहाँ पे राइज लोन अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोन की अमाउंट यहाँ पर दी गई है, राही के का लोन है और राही क्योंकि एक पार्टनर है तो उसका उसके लोन की क्या स्थिति है उसको हम अलग से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हम राही का लोन अकाउंट बनाने के लिए इस तरह से एक प्रारूप तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि राही का जो बैलेंस है लोन का वो है 5,000, जिसे हम राही के लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी करके 5,000 यहाँ पर हम उसकी एंट्री कर देंगे और इस पूरा जो हम लोन के जो अमाउंट है उसको हमको राही को पे करना है तो और वो राही के अकाउंट में चले जाएगी। यहाँ पर जो जनरल एंट्री पास होगी वो होगी राइज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसलिए हम राही के लोन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक 5,000 और इस तरह से हम इसका जो लोन अकाउंट है वो हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो प्रोसेस है उसके अनुसार सबसे पहले हमको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो बैलेंस लिखना होता है जो हमारी बैलेंस शीट में यानी कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम प्रश्न में देख रहे हैं कि इनका जो कैपिटल बैलेंस है वो है सुरजीत का 10,000 और राही का 8,000, जिसे हम क्रेडिट साइड में एंट्री कर लेंगे। सेकंड हम चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट में कहीं कोई रिजर्व या फंड तो नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15,000 का एक रिजर्व दिया गया है बैलेंस शीट में, तो हम उसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे क्योंकि हम डिसॉल्व कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो अब इस संचय का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब हम इसको जो पार्टनर है हमारे पास उनमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये जो 10,000 तो ये जो 15,000 के अमाउंट है उसको हम इनका जो अनुपात है पुराना अनुपात 3:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय रिजर्व अकाउंट। और जब हम इसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000 को, तो सुरजीत के हिस्से में 9,000 और राही के हिस्से में 6,000 आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट और ये देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं किसी पार्टनर्स कैपिटल की कोई एंट्री हुई है क्या, यानी कि किसी पार्टनर ने कोई संपत्ति ली है या किसी दायित्व का भुगतान किया है क्या। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सुरजीत
ने मिसेस सुरजीत के लोन का भुगतान किया था, तो वहां पर हम देख रहे थे कि जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तो उसके डेबिट साइड में हमने एंट्री की थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरजीत कैपिटल अकाउंट। तो अब हम सुरजीत के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और 10,000 की अमाउंट जो है वो सुरजीत के अकाउंट में लिख देंगे। उसके बाद हमने देखा था कि सुरजीत ने विनियोग लिए थे, तो वहां पर हमने जनरल एंट्री पास की थी, तो वहां पर हमने जनरल एंट्री पास की थी सुरजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइजेशन के क्रेडिट में हमने ये पोस्टिंग की थी। तो अब यहाँ पर जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हम सुरजीत के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और उसके हिस्से में 8,000 की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि रियलाइजेशन का बैलेंस क्या आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रियलाइजेशन का जो बैलेंस है वो लॉस में आ रहा है, तो क्योंकि वो लॉस है इसलिए हम यहाँ पर इसके डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। जनरली हम क्रॉस ट्रांसफर के आधार पर भी एंट्री कर देते हैं कि क्रेडिट में आया है तो कि रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में उसकी एंट्री करते हैं, लेकिन वास्तव में लॉस है इसलिए हम इसको डेबिट में लिखे हैं। तो सुरजीत के हिस्से का जो लॉस है वो है 3,960, और राही के हिस्से का जो लॉस है वो है 2,640। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक बैलेंस यहाँ दिया गया है, जो कि हम ओल्ड बैलेंस शीट, जो हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, उसमें हम देख रहे हैं कि एक लॉस है 7,500 का। उस 7,500 का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम सुरजीत और राही में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, तो सुरजीत के हिस्से में आएगा 4,500 और राही के हिस्से में आएगा 3,000, और इसे हम डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह से लिखेंगे। अब क्योंकि हम फॉर्म बंद कर रहे हैं, विघटन हो रहा है, तो जो रिजर्व है, फंड है, प्रॉफिट लॉस है, सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया, और अब हमको जो सुजीत या राही को जो फाइनल पेमेंट यहाँ पर करनी है या उनसे कुछ मंगाना है उसकी एंट्री हम उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या करना है। तो सुरजीत के हिस्से का जो क्रेडिट टोटल है वो है 29,000, इसमें से हम डेबिट जो बैलेंस है वो माइनस करते जाएं, तो 29,000 माइनस 8,000 माइनस 3,960 माइनस 4,500, तो ये 12,550 जो है वो सुजीत को पेमेंट करने की राशि बन रही है। और राही का हम देखें तो उसका भी क्रेडिट जो टोटल है वो ज्यादा है, यानी उसको भी हमने हमको पेमेंट करना है, तो इस 14,000 में हम 2,640 और माइनस 3,000 करेंगे, तो राही को हमको जो पेमेंट करनी है वो होगी 8,360। तो इस तरह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, और हमने देखा कि यहाँ पर सुरजीत को फर्म के द्वारा 12,540 रुपीज पे किए जाएंगे और राही को 8,360 रुपीज पे किया जाएगा। अब इसके आधार पर हम बनाएंगे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास रिसीव जो भी हमको रिसीव हुआ है कैश, वो हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे, और जो हमने पेमेंट की है वो हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि बैलेंस कितना है बैंक का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट में बैंक का जो बैलेंस है वो है 11,500। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने रियलाइजेशन में एसेट्स बेचे तो उससे हमको टोटल कितना मिला। तो यहाँ पर हमको स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर और प्लांट से कुल मिलाकर 53,000 रुपीज मिले थे, उसे हम बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। अब एक्सपेंसेस हमने क्या क्या किए, हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस किया था 16,000 का, सेकेंड हमने क्रेडिटर को दिया था 37,000 का। ये सारी एंट्रीज हम क्रेडिट में करते जाएंगे क्योंकि ये हमने खर्च किए हैं। बाय रियलाइजेशन 16,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ये क्रेडिटर के लिए 37,000, और राही का जो लोन पेमेंट किया गया था 5,000 की, उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे बाय राही लोन 5,000। और सुजीत के हिस्से और राही के हिस्से में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, क्योंकि वो पेमेंट करना है हमको उनको फर्म को, इन दोनों साझेदारों को पेमेंट करना है, इसलिए हम इसको बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सुजीत के हिस्से में 12,540 पेमेंट करना है और राही के हिस्से में 8,360 पेमेंट करना है, और टोटल यहाँ पर हम देखते हैं कि 64,500 का जो टोटल है वो बैंक अकाउंट का आ जाता है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने जो भी जितनी भी एसेट्स थे उनको हमने सेल किया या किसी पार्टनर ने उसको टेक ओवर कर लिया, और जो उनसे जो हमको राशि प्राप्त हुई उससे हमने लायबिलिटीज का जो भुगतान है वो कर दिया, और इस तरह से हमारा जो बैंक अकाउंट है उसका जो टोटल बैलेंस है उसको हम देख के कह सकते हैं कि हमने जो एंट्रीज पास की थी वो सभी सही है, ऐसा कहा जा सकता है। रीता, गीता और आशीष एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2:1 है। 31 मार्च 2006 को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। दिए गए चिट्ठे में हम देखते हैं कि लायबिलिटी साइड में कैपिटल जो है वो रीता और गीता और आशीष की 80,000, 50,000 और 30,000 है। टोटल जो कैपिटल है वो 1,60,000 है। क्रेडिटर है 65,000 के, बिल्स पेबल है 26,000 का, जनरल रिजर्व है 20,000 का। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एसेट्स जो दिया हुआ है उसमें कैश 22,500 के हैं, डेटर्स हैं 52,300 के, स्टॉक है 36,000 का, इन्वेस्टमेंट है 69,000 का और प्लांट है 91,200 का। बैलेंस शीट टैली होती है 2,71,000 से। एडजस्टमेंट में हम देख रहे हैं कि ऊपर दी गई तिथि को फर्म का विघटन हो गया। रीता को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए नियुक्त किया गया। रीता को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए 5% कमीशन रोकड़ के अतिरिक्त मिलेगा और वो सारे वसूली वह करेगी। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संपत्तियों को बेचने से जो राशि मिली है वो है देनदारों से 30,000, स्टॉक से 26,000, प्लांट से 42,750। तीसरा एडजस्टमेंट हम देखते हैं कि विनियोग से पुस्त मूल्य से 85% की वसूली हुई है। वसूली व्यय की राशि यहाँ दी गई है 4,100। फर्म ने बकाया वेतन 7,200 का भुगतान किया जिसका प्रावधान पहले से नहीं किया गया था। एक विपत्र बैंक से छूट के संबंध में आकस्मिक दायित्व है जिसका भुगतान 9,800 किया गया। यहाँ हमें रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। इस प्रश्न में तीन नए पॉइंट है जो अभी तक के किसी भी प्रश्न में हमने नहीं देखे थे। यहाँ पर विनियोग से जो वसूली है वो पूरी ना होके रिड्यूस होके वसूली हुई है, बकाया वेतन के बारे में कुछ जानकारियां दी गई है, और तीसरा जो है वो कमीशन दिया गया है रीता को और साथ में वो वसूली वह भी कर रही है। तो यहाँ पर जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा प्रोसेस जो है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स और लायबिलिटी की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें हम देख रहे हैं कि कैश को छोड़कर बाकी जो संपत्तियां हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में बुक वैल्यू पे, यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उस पर हम उसकी एंट्री करते जाएंगे, और इनर कॉलम में हम उन्हें लिखेंगे, बाद में हम उसको टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो क्योंकि संपत्तियों की एंट्री हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट जो जनरल एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। यहाँ पे डेटर्स है 52,300 के, स्टॉक है 36,000, इन्वेस्टमेंट है 69,000, प्लांट है 91,200 और टोटल ये जो एसेट्स की वैल्यू है वो है 2,48,500। दूसरा हम देखते हैं कि लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। क्रेडिटर 65,000 के और बिल्स पेबल 26,000 का, टोटल 91,000 है। थर्ड हमारा जो प्रोसेस होता है रियलाइजेशन अकाउंट के लिए वो होता है हमको ये देखना है कि एसेट्स को हमने किस तरह से बेचा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एसेट्स में जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे टू कैश, और यहाँ हम देख रहे हैं कि डेटर से 30,000, स्टॉक से 26,000, प्लांट से 42,750 और इन्वेस्टमेंट से 58,650 ये हमने वसूल किया है। टोटल 1,57,400 की वसूली हुई है। फोर्थ हम देखते हैं कि लायबिलिटीज को हमने कैसे पेमेंट किया है। तो लायबिलिटी के पेमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अब क्योंकि क्रेडिटर और बिल्स पेबल के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमने जाना है कि
कोई भी लाइबिलिटी छूटनी नहीं चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, फर्म का विघटन हो चुका है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो जो भी निपटारा है यहाँ पर संपत्ति दायित्व का वो जरूर कर लिया जाना चाहिए। तो भले ही यहाँ पर जो क्रेडिटर है और बिल्स पेबल है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हम उनका भुगतान कैश में करेंगे, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि जब हम लायबिलिटी पेमेंट करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैश और ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्रेडिटर, ताकि हमको याद रहे कि ये क्रेडिटर का पेमेंट था 65,000, बुक वैल्यू पे ही हम पेमेंट कर देंगे। अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है लायबिलिटीज के पेमेंट की, तो हम बुक वैल्यू पे उसको पे कर देंगे। दूसरा, हम यहाँ पर देख रहे हैं बिल्स पेबल के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो उसको भी हम बुक वैल्यू पे यानी कि 26,000 पे कर देंगे और हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश और ब्रैकेट में हम याद रखने के लिए लिखेंगे बिल्स पेबल और 26,000 के अमाउंट हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। अब हम एडजस्टमेंट को एक बार चेक कर लें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रीता को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए नियुक्त किया गया है और वसूली के लिए उसको 5% कमीशन मिलेगा और वो सारे वसूली वे करेगी। तो यहाँ पर हम इसकी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं कि वास्तव में रीता को कितना मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो संपत्तियों से जो वसूली हुई थी वो टोटल जो अमाउंट था वसूली का वो था 1,57,400। इसका 5% कमीशन रीता को दिया जाना है, तो 1,57,400 का 5% यानी 7,870 जो है वो रीता को कमीशन दिया जाना है। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में इसकी एंट्री करेंगे। तो क्योंकि रीता को ये दिया गया है और रीता एक साझेदार भी है फर्म की, तो इसलिए हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके इसे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू रीता कैपिटल अकाउंट, और हम ब्रैकेट में कमीशन भी लिख देंगे ताकि हमको याद रहे कि ये जो अमाउंट है रीता के हिस्से की वो कमीशन की अमाउंट है। अमाउंट होगी 7,870। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि विनियोग से पुस्त मूल्य से 85% की वसूली हुई है। इन्वेस्टमेंट 69,000 के है, लेकिन क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट से 85% ही वसूली हुई है, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट का केवल 85% निकाल लेंगे जो होगा 58,650 और टोटल जो कैश हमको रिसीव हुआ वो होगा 1,57,400। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं वसूली व्यय की राशि 4,100 हुई है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में आया है जो कि नया है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बात देखी थी कि जो एडजस्टमेंट है उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि रीता को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए कुछ कमीशन मिलेगा और वो सारे वसूली व्यय करेगी, तो अलग से फर्म को ये 4,100 पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस 4,100 की एंट्री हम कहीं पर नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी वसूली व्यय के जो भी एक्सपेंस है वो रीता अपने से पेमेंट करेगी। नेक्स्ट जो एक पॉइंट इसमें नया आया है वो है फर्म ने बकाया वेतन 7,200 का भुगतान किया जिसका प्रावधान पहले से नहीं किया गया था। ये आउटस्टैंडिंग एक सैलरी है, एक अदत्त व्यय है, अब इसका पेमेंट क्योंकि इस बार किया जा रहा है तो और जा रहा है फर्म से ही, ये तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे क्योंकि ये भुगतान है। तो जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और हम इसको याद रखने के लिए ब्रैकेट में लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और डेबिट साइड में अमाउंट पे 7,200 से इसकी एंट्री कर देंगे। एक जो नया पॉइंट इसमें और आया है वो है एक विपत्र बैंक से छूट के संबंध में आकस्मिक दायित्व है जिसका भुगतान 9,800 रुपए किया गया। अब क्योंकि एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, आकस्मिक दायित्व है, अब कहीं छूट गया रहा होगा वो, अब इसका हम भुगतान करेंगे 9,800 का। तो क्योंकि इसका भुगतान हम यहाँ पर कर रहे हैं तो जिस तरह से हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी थी इसी तरह से एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है और यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसका भुगतान करेंगे, तो हम इसकी एंट्री करेंगे टू कैश 9,800। हम अपने याद रखने के लिए इसे ब्रैकेट में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी लिखकर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने एडजस्टमेंट थे वो सारे हमने यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट पर लिख लिए हैं। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है टोटल है 3,64,370। ये डेबिट जो टोटल है वो ज्यादा है,
इसमें से हम माइनस करते जाएंगे क्रेडिट के टोटल को, यानी कि 91,000, 1,57,400, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 3,64,370 से, तो जो बैलेंस आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का वो होगा 1,15,970। अब इसको जब हम रीता, गीता और आशीष में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होगा वो जो बुक में दिया गया ओल्ड रेशियो है उसी पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 3:2:1 पर हम 1,15,970 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रीता के हिस्से में 57,985, गीता के हिस्से में 38,657 और आशीष के हिस्से में 19,328 आएगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो हमारा कैपिटल अकाउंट का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि रीता, गीता और आशीष का जो बैलेंस है कैपिटल का वो है 80,000, 50,000 और 30,000। फिर हम चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई रिजर्व या फंड तो नहीं है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक जनरल रिजर्व दिया गया है जो कि 20,000 का है। अब क्योंकि हम बुक क्लोज कर रहे हैं, फर्म क्लोज हो गई है, तो किसी भी प्रकार का रिजर्व या प्रोविजन बचना नहीं चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस 20,000 को हम जो रेशियो दिया गया है 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके रीता, गीता और आशीष को दे देंगे और इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। रीता के हिस्से में 10,000, गीता के हिस्से में 6,667 और आशीष के हिस्से में 3,333 आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कोई ऐसी एंट्री है जिसमें किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स टेक ओवर की हो या किसी प्रकार की लायबिलिटी का भुगतान किया हो। तो यहाँ इस तरह की कोई एंट्री तो नहीं बन रही है, लेकिन एक चीज हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में कि एक कमीशन हमने रीता को दिया हुआ है वसूली व्यय के लिए, वो है 7,870, जिसकी जनरल एंट्री हुई है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीतास कैपिटल अकाउंट। और अब हम इसको रीता के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, रीता के हिस्से में आएगा 7,870। उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हमने देखा था कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट कम था, यानी कि लॉस था, इस लॉस को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करके लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रीता के हिस्से में 57,985, गीता के हिस्से में 38,657 और आशीष के हिस्से में 19,328। अब हम बैलेंस निकालेंगे, तो बैलेंस निकालते हैं तो हम देखते हैं कि रीता का जो क्रेडिट टोटल है वो है 97,870। इसमें से हम 57,985 माइनस करते हैं तो जो कैश बैलेंस बनता है, यानी कि रीता को वापस देने की जो अमाउंट बनती है वो है 39,885, जिसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश इस प्रकार से लिखकर इसकी एंट्री कर देंगे। गीता के हिस्से का बैलेंस हम देखते हैं तो क्रेडिट जो बैलेंस है वो है 56,667 और इसमें से इसका डेबिट टोटल 38,657 हम माइनस कर देते हैं तो जो बैलेंस बचता है वो आता है 18,010 रुपीज। आशीष का जो क्रेडिट टोटल है वो है 33,333। इसमें से जब हम आशीष का डेबिट टोटल माइनस कर देते हैं 19,328 तो जो बैलेंस बचता है वो हो जाता है 14,005, यानी टोटल इसका हो जाता है 33,333। तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर ये देख चुके हैं कि हमको रीता, गीता और आशीष को कितनी अमाउंट अब वापस करनी है। अब इसके आधार पर हम कैश अकाउंट बनाएंगे, तो जिस तरह से हम अभी तक कैश अकाउंट बनाते आए हैं वैसे ही यहाँ पर भी हम कैश अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड में हम वो सारे अमाउंट लिखेंगे जो हमने रिसीव किया है और क्रेडिट साइड में अभी तक हमने जो अमाउंट पे की है वो सारी एंट्रीज यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंक बैलेंस क्या है, तो हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि जो कैश अकाउंट का बैलेंस है वो है 22,500 और सेकेंड हमारा जो प्रोसेस होता है कैश का, कैश अकाउंट का, वहां हम ये देखते हैं कि एसेट्स से हमको क्या वसूल हुआ। तो हम देखते हैं कि एसेट्स में, और इसे हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एसेट्स में हमको डेटर से 30,000, स्टॉक से 26,000, प्लांट से 42,750 और इन्वेस्टमेंट से 58,650 वसूल हुए हैं। टोटल 1,57,400 हमको यहाँ पे वसूली हुई है।
पेमेंट हमने क्या क्या की है ये हम क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक आउटस्टैंडिंग सैलरी पे की है 7200 की। ये सारी जो एंट्रीज है हम इनर कॉलम में करते जाएंगे और फिर बाद में उसको आउटर कॉलम में उसका टोटल लिखेंगे। तो सबसे पहले एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है 7200 की। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हमने पे की थी 9800 की। क्रेडिटर्स 65,000 के थे। बिल्स पेबल 26,000 के थे। ये सारी पेमेंट्स हमने की थी टोटल 1,18,000 की, टोटल 1,08,000 की, जिसे हम आउटर कॉलम में अब लिख लेंगे। अब जब हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया तो वहां हम देखते हैं कि रीता को हमको देना है 39,885, गीता को देना है 18,010 और आशीष को देना है 14,005। तो टोटल जो है वो कैश अकाउंट का डेबिट का भी 1,79,900 और क्रेडिट का भी 1,79,900 आता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कैश अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया। तो आपने देखा कि किस प्रकार साझेदारी फर्म जब प्रारंभ होती है तो उसमें बहुत सारे समझौते, बहुत सारे संलेख के आधार पर, समझौतों के आधार पर पूरी फर्म स्टार्ट होती है और जब समाप्त होती है तो बिल्कुल वैसे ही नियम कानून संलेख और समझौते के आधार पर बहुत सारे खातों का हम वहाँ पर निर्माण करते हैं। साझेदारी के प्रारंभ से लेकर समापन की ये पूरी प्रक्रिया हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। स्टार्टिंग में हमने देखा कि कैसे साझेदारी शुरू हुई, कैसे दो से तीन पार्टनर आपस में मिले, कैसे उनके ख्याति की हमने एंट्रीज की, किस तरह से लाभ हानि विभाजन अनुपात, नया अनुपात, पुराना अनुपात हमने कैलकुलेशन किया। फिर हमने देखा कि कोई नया साझेदार आ गया तो अब कैसी प्रविष्टि करें। उसके बाद हमने देखा कि कोई साझेदार रिटायर हो गया, चला गया, मृत्यु हो गई और लास्ट में हमने देखा कि पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व हो गई। तो इस पूरी सीरीज में हमने पूरी साझेदारी व्यवसाय का एक विस्तृत और व्यापक अध्ययन किया है। साझेदारी व्यवसाय हम ये कह सकते हैं कि सामान्य सिद्धांतों से प्रारंभ होकर विघटन की प्रक्रिया पर आकर समाप्त हो जाता है।